हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन मार्शल आर्ट। आज मैं आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाने जा रहा हूँ। कैसे आप अपने हैंड से ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे आप ब्लॉक करते हुए काउंटर अटैक कर सकते हैं, उसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आज आपको मैं कराऊंगा, और जिसको करने के बाद आपके हैंड्स विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन और कोई डाउट नहीं रहेगा आपके माइंड में कि कैसे आप ब्लॉक करेंगे। क्योंकि मार्शल आर्ट नॉट ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट टू अडॉप्ट मार्शल आर्ट इन योर बॉडी। कैसे आप मार्शल आर्ट को अपनी बॉडी में ला सकते हैं। आपको कोई मार्शल आर्ट रटने की चीज़ नहीं है कि आपने बस रट लिया आपको मार्शल आर्ट आ गया। आपको करना क्या है, आपको उस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप जब भी कोई भी अटैक आपके ऊपर आता है तो आपका हाथ आपके किक्स ऑटोमेटिक अपने आप चल जाए, तो आपको सोचना ना पड़े। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है जो कि बेसिक ब्लॉक है, मिडिल ब्लॉक। इसमें करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो बोन्स है वो आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, वो आपकी बोन्स की कंडीशनिंग हो जाएगी। जब भी हम ब्लॉक की प्रैक्टिस करें तो आपको कंडीशनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बोन्स स्ट्रांग नहीं है तो आपका सब वेस्ट है। तो इसमें पहले आप कंडीशनिंग कैसे करेंगे, पहले मिडिल ब्लॉक लोअर ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक लोअर ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक लोअर ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक लोअर के, इसको जितनी आप अपोनेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं करते जाइए। इसको जितना स्पीड में कर सकते हैं फुल स्पीड यहाँ से जितना अब अपोनेंट के साथ करेंगे तो आपको बेनिफिट देखेंगे। स्टॉप। हैंड टू हैंड प्रैक्टिस इसलिए आपको बेनिफिट है, अगर आप कभी भी प्रैक्टिस करते हैं दोनों की बोन्स जब टकराते हैं तो दोनों को इक्वली इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप कभी भी स्टेबल टारगेट पे या नॉन लिविंग थिंग्स पे अपने हैंड से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बोन्स में ज़्यादा डैमेज होता है। तो इससे बेटर है कि आप किसी भी अपने अपोनेंट को, अपने फ्रेंड को या अपने टीचर के साथ आप इसकी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा बेसिक ब्लॉक, जो कि हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको ब्लॉक करूँगा और अटैक, ठीक है। अब वहाँ से वो ब्लॉक करेंगे रोटेशन के साथ, मुझे अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए उनके पंच को ब्लॉक करना है, ठीक है। यहाँ से वाइड अटैक, यहाँ से के देखिए इसी में, फिर अगेन मिडिल ब्लॉक, यहाँ से रोटेट के अटैक, ये इस तरीके से आपको इसका ब्लॉक करना है यहाँ से स्पीड में, ठीक है। यहाँ से ठीक इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे आपने हैंड्स को मूव करना है, कैसे आपने मूव करते हुए अटैक करना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, आपको अपोनेंट को अपने हाथों के ऊपर रखना है, जो जिसके हाथ ऊपर होंगे वो ब्लॉक करेगा और जिसके हाथ नीचे होंगे वो अटैक करेगा। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि दोनों के हैंड्स टच हैं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस हाथ से अटैक करने वाला है। आपको जो आपका हैंड टच है वो वहाँ से हटेगा, वैसे ही आपका माइंड काम करेगा। तो अब मार्शल आर्ट में आपके रिफ्लेक्सेज इतने हाई होने चाहिए कि अपोनेंट ने जैसे ही हिट किया वैसे ही आपने ब्लॉक करना है। मार्शल आर्ट के अंदर न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो किया जाता है, देयर इज एक्शन एंड इक्वल अपोजिट टू द रिएक्शन। जैसे ही उन्होंने कोई एक्शन किया आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल, जैसे किसी भी हाथ से हिट करते हैं, यहाँ से मेरा हाथ अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा, आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो दूसरा हाथ है वो वहाँ से ना हटे। इसके बाद अगेन पोजिशन, किसी से भी अटैक कर सकते हो यहाँ से, ये ब्लॉक है। इसमें मुझे सोचना ना पड़े कि वो किससे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। किसी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक हाथ से भी, दो तीन बार भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए अपने हाथों से, ठीक है। जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये था सिर्फ अटैक। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने अटैक किया वैसे ही आप काउंटर अटैक करेंगे, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, अभी आपको क्या करना है कि बेसिक पंच कर सकते हैं, आगे बढ़ के एल्बो अटैक कर सकते हैं, जंप लेके नी अटैक कर सकते हैं, खड़े होकर नी अटैक कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हमने स्टार्ट, यहाँ से जैसे उन्होंने अटैक किया आप वहाँ से रिवर्स पंच, रिवर्स कर सकते हैं अगर आप अपने अपोनेंट को ज़्यादा पावर से हिट नहीं करना चाहते हो। और अगर आप पावर से हिट करना चाहते हैं तो आप पावर से हिट करिए, उसे रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से ये हुआ, यहाँ से आप ये एल्बो इसको हिट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपर एल्बो जो आप हेड पे मार सकते हैं। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी एल्बो बैंड ना रहे, अगर बैंड रखते हैं आप तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये लगेगा, जिससे आपको अपोनेंट को चोट नहीं पहुँचा सकते। आप एल्बो को अपने हाथ को ओपन रखिए और जो ये वाली बोन है
इसको आप हिट करेंगे प्रॉपर। यहाँ से आप अपोनेंट के हैंड को ब्रेक भी कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल स्पीड से मारेंगे टूट जाएगा वो आपके ऊपर है कैसे आप उस पर काउंटर अटैक करते हैं। अगर आपका अपोनेंट आपको बहुत ज़्यादा इंजर्ड करने वाला आपको लगता है उसकी इंटेंशन गलत है तो आप अपने अपोनेंट को इंजर्ड भी कर सकते हैं, बट ये ओनली फॉर लर्निंग पर्पज है, आप सिर्फ इसे सीखिए किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें। यहाँ से आने के बाद इसको ब्लॉक करने के बाद ये आप किक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, रिब्स पे भी मार सकते हैं। जो लास्ट वाली रिब होती है वो फ्लोटिंग रिब होती है, बहुत इजीली ब्रेक हो सकती है, आप उसको खींचते हुए उसको बहुत पावर से मार सकते हैं। अगर आपका अपोनेंट दोनों हाथ से अटैक करता है तो आप अपने नीज को भी अटैक यूज़ कर सकते हैं एज ए अटैक। जैसे एग्जांपल यहाँ से आप पहले तो दोनों हाथों से अपने अपोनेंट को यहाँ पर नेक पर हिट करिए फुल पावर, उसके बाद होल्ड कीजिए, उसके बाद नी अटैक यहाँ से फुल पावर से, चाहे आप फ्लोटिंग रिब पे मारिए, चाहे आप सेंटर रिब पे मारिए, चाहे आप नीचे लेके नोज पे मार सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे करते हैं। इस तरीके की प्रैक्टिस आप हमेशा घर पे प्रैक्टिस करते रहिए अपने अपोनेंट के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, बट ध्यान रखिएगा कि किसी को चोट ना लगे। और ऐसे ही लाइव सेशंस हमारे आर्यन मार्शल आर्ट टेम्पल में चलते रहते हैं, आप यहाँ पर भी आकर उन लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप ऐसी प्रैक्टिस करें या मार्शल आर्ट सीखें तो किसी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर पे अच्छे ट्रेनर के साथ सीखिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी सीख लिया उससे आपको भी हार्म हो सकता है और आपके अपोनेंट को भी हार्म हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्यन मार्शल आर्ट।